आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की क्लास करेंगे छत्तीसगढ़ जनजाति, यानी कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न देखेंगे जो सीजीपीएससी व्यापम में विगत वर्षों से पूछा गया है। तो पूरा कवर कराएंगे। ये वीडियो आपका पार्ट वन और पार्ट टू दोनों में डिवाइडेड है छत्तीसगढ़ जनजाति से। पहला वीडियो आपका देख रहे हैं छत्तीसगढ़ जनजाति के जितने भी प्रश्न बनेंगे हम कवर करेंगे। पहले हम आपको थ्योरी बताएंगे, उसके बाद आप ड्यूटी क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास छत्तीसगढ़ जनजाति, जो कि विगत वर्षों से पूछे जाने वाले प्रश्न देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ जनजाति में युवा गृह है, पेय पदार्थ, नृत्य से संबंधित, विवाहों से संबंधित, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो पूरा कवर कराएंगे आपको। पहली बार आए तो चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना, है ना। और यहां तक हम देखेंगे, यहां पर देखिए जो छत्तीसगढ़ में विगत वर्षों से पूछे गए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी 2016, सीजीपीएससी 17, व्यापम, पीएससी, सभी के सभी प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। सभी के सभी प्रश्न आपके सीजीपीएससी व्यापम में पूछे गए हैं। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करेंगे, वन लाइनर करेंगे। इसके बाद हम आपको पूरा बताएंगे कि बस्तर अंचल की बोली क्या है, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, विशेष पिछड़ी जनजाति में कितने शामिल है कितने शामिल नहीं है, पूरा ट्रिक के माध्यम से आपको मैं बताने वाला हूँ, है ना। तो जैसे कि अगर आप प्रयोगशाला परिचालक, जैसे हम कल के क्लासेस में देखे, यहाँ पर देखिए जो कल के क्लासेस में हमने देखा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर थ्योरी क्लास कल के क्लासेस में लगा था, जिसमें आपको थ्योरी कराए थे, ऑब्जेक्टिव कराया था और एमसीक्यू टेस्ट लिया था, है ना। तो ये इसका स्क्रीनशॉट है, अगर आप चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप देख सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा 93 99 27 87 82, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। और भी अधिक जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर प्रयोगशाला परिचालक, हॉस्टल वार्डन, एडीओ, सीजीपीएससी, ये सभी की क्लासेस कल से हमारे चैनल पर प्रारंभ किया गया था। डेमो क्लास आपको मिला होगा, ठीक है। जिनको नहीं मिला है तो इसलिए नहीं मिला होगा जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ठीक है। तो चलिए अध्ययन करते हैं आज की क्लास में, जिसमें आपका छत्तीसगढ़ के देवी देवताओं से प्रश्न पूछे जाएंगे। जितने भी यहाँ से जितने भी टॉपिक मिलेगा, जितने भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो हम कवर करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर, एक मिनट ना थोड़ा सा वेट कीजिएगा, यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले छत्तीसगढ़ जनजाति से पहले देख लेते हैं वन लाइनर क्वेश्चन जो आपके व्यापम में विगत वर्षों से पूछा गया है ना। तो देखिए पहले तो आप लोग पहले हमारे चैनल को तो लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों, है ना। लाइव क्लास क्या, रिकॉर्डेड क्लास आपको अपलोड किया जाएगा यूट्यूब पर तो मिलेगा ही, लेकिन मेंबरशिप में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगा, अगर आप चाहते हैं तो बने रहिएगा। छत्तीसगढ़ में जो जनजाति है आपका, अनुसंधान केंद्र वो आपका कहाँ स्थापित किया जा रहा है, रायपुर, है ना। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसका पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, अधिक जानकारी के लिए। हाँ तो फटाफट सभी लोग क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन का आंसर देना स्टार्ट कर दीजिएगा ना, जितने भी जुड़ चुके हैं, है ना। निःशुल्क बैच कराई जा रही है। जनजातियों का नाम मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत मिला। छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की जनजातियां पाई जाती है, तो छत्तीसगढ़ में याद रखना 42 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है, एवं 169 यानी कि 169 उपसमूह पाया जाता है। जनजाति से संबंधित जो भी प्रावधान है आर्टिकल नंबर 342 में लिया गया है। छत्तीसगढ़ के अधिकांश जनजाति जो है आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रकार के हैं। कौन से प्रकार के हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। और बस्तर को जनजाति की भूमि कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में विशेषतः 7 प्रकार की विशेष पिछड़ी जनजातियां पाई जाती हैं, लेकिन याद रखना, लेकिन लेकिन याद रखना, किंतु परंतु यहाँ पर आप लोग कंफ्यूजन हो गए। अगर देखिए छत्तीसगढ़ में पूछा गया है विशेष पिछड़ी जनजाति तो 7, अगर संविधान के तहत राष्ट्रपति लागू किया है 5, है ना। संविधान के तहत याद रखना, संविधान के तहत आपका राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा लागू किया गया है वो है विशेष पिछड़ी जनजाति। कितनी है, 5 है। मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही क्या, एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला आपका सरगुजा है,
छत्तीसगढ़ के बस्तर को अनुसूचित जनजाति यानी कि अभुझमाड़िया कहा जाता है। अब चलिए पूरा वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे, जितने भी प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं सीजीपीएसई और व्यापम में जितने भी छत्तीसगढ़ से पूछे गए टॉपिक है पूरा कवर करेंगे, ठीक है। जो जो क्वेश्चन करूंगा आप लोग कमेंट करके बताते चलिएगा, है ना। मेरी आवाज आपको क्लियर आया नहीं कि नहीं एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके चलिए, सबसे पहले यहां पर देखिएगा कि छत्तीसगढ़ में पूरा वन लाइनर क्वेश्चन आपको कराऊंगा, टोटल वन लाइनर है क्वेश्चन है पूरा सीजीपीएससी और व्यापम में विगत वर्षों से पूछा गया है। तो अध्ययन करेंगे फिर आपको थ्योरी बताएंगे, है ना। पहले आप वन लाइनर कर लीजिएगा, इसके बाद हम आपको थ्योरी बता देंगे वहां से कैसे कैसे प्रश्न पूछा जाएगा, उसके बाद आपको एमसीक्यू करा देंगे टेस्ट के रूप में, है ना। पूरा टेस्ट रहेगा, पूरा अध्ययन करके जाना। पहली बार आए तो क्या करोगे, वीडियो को लाइक तो करना ही है ना। छत्तीसगढ़ के सोना खान स्टेट किस जमींदार के थे, वो कहाँ से बिलोंग करते थे, क्या करते थे, मैं आपको पूरा जानकारी बताऊंगा ना, वीडियो पर बने रहेगा, बस वीडियो को अंतिम बार देखिएगा। कभी भी एग्जाम देने जाऊंगा तो इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज कर लेना, है ना। 2 से 3 बार रिवाइज कर लेना, आपका ऐसे ही एग्जाम निकल जाएगा छत्तीसगढ़ के। अगर जनजाति से क्वेश्चन पूछा तो मैं टोटल कराऊंगा ना, छत्तीसगढ़ के पूरा कवर कराऊंगा, क्योंकि प्रयोगशाला परिचालन, हॉस्टल वार्डन, एडीओ, पीएससी प्री एग्जाम, पूरा कंप्लीट छत्तीसगढ़ से ही पूछे जाएंगे, है ना। तो बने रहिएगा भी। ये जो सोना खान स्टेट है बिझवार जनजाति से संबंधित, और बिझवार जनजाति कौन सा है छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध बताइएगा, बलौदा बाजार में स्थित है सोना खान वीर नारायण सिंह। और छत्तीसगढ़ में प्रथम शहीद किसे कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद आपका शहीद वीर नारायण सिंह है। कमेंट करके बताइएगा जिनको मालूम नहीं है। और छत्तीसगढ़ के अंतिम क्या है, अंतिम पहला क्या बता, छत्तीसगढ़ प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह, और छत्तीसगढ़ के अंतिम वीर शहीद कौन है, तो सुरेंद्र साय है, ठीक है, संबलपुर, याद रखना। प्रजा जनजाति का अन्य नाम धुरवा, धुरवा को और किस नाम से जाना जाता है, प्रजा, धुरवा को किस नाम से जाना जाता है, प्रजा, उसको अन्य नाम है प्रजा। जनजातियों में निम्न में से कांकेर बस्तर जिलों में नहीं पाई जाती, तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना, पारधी है। पारधी का मतलब होता है काले रंग का पक्षी, ठीक है, बस्तर और कांकेर में नहीं पाया जाता, ठीक है। ओके, छत्तीसगढ़ के किस जिले में आओ जनजाति नहीं माओ पाटा जनजाति जो निवास नहीं करती, कबीर, सीजीपीएससी 2010। वीर नारायण सिंह किस जनजाति के थे, तो आपको बिझवार जनजाति थे, कहाँ से बिलोंग करते थे, बलौदा बाजार, ठीक है, बलौदा बाजार, ये आपको याद रखना होगा ना, मैं आपको पूरा कंप्लीट जानकारी कराऊंगा। 1857 याद रखना, 1857 की क्रांति वाला आप याद पाठ रखे ना, वहीं से है ना, वीर नारायण सिंह, या इसका चौक में फांसी दी गई थी ना, मुरिया जनजाति, ठीक है, 1 मिनट ना। चलिए, मुरिया जनजाति पारंपरिक निवास क्षेत्र तो कौन सा है, नारायणपुर। छत्तीसगढ़ राज्य के बिझवार जनजाति का चीर तिल, ये तीर से विवाह किया जाता है, तीर से, ठीक है। किसने इस राज्य की जनजातियों की संस्था घोटुल का अध्ययन किया था, तो वेरियन एल्विन ने। और संसार के सबसे सुंदर नृत्य किससे कहा गया है, तो वेरियन एल्विन को कहा गया गौर नृत्य, है ना, इसको कहा गया है गौर नृत्य, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया होगा, है ना। इसके बाद देखेंगे पाइक, ये भी आपके 19 और 2021 में पूछा गया है, ठीक है। पाइक जो है कंवर जनजाति से संबंधित है, कंवर जनजाति से संबंधित है। बिहार जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती है, तो सरगुजा, जो बिहार है ना आपका, सरगुजा में। बस्तर के किस जनजाति का मूल निवास उड़ीसा राज्य है, तो 1 मिनट ना, इसका आएगा आपका गदबा। ककसार नृत्य आपका अबुझमाड़िया, है ना। अबुझमाड़िया क्या है, गोंड जनजाति की उप जनजाति है। गोंड जनजाति की क्या है, उप जनजाति, जिसमें 42 प्रकार की जनजाति पाई जाती है, जिसमें आपका 161
उपसमूह है, ठीक है, क्या है, 161 उपसमूह, ठीक है, याद रखना। और छत्तीसगढ़ की एक विशेष पिछड़ी जनजाति जो अबुझमाड़िया है, ठीक है, रायपुर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति कमार, सीजीपीएससी 2017, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पूरा आपका पीसी व्यापम पीएससी व्यापम में पूछा गया है। प्रधान जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती है, कबीरधाम, प्रधान मतलब कबीरधाम। छत्तीसगढ़ के आदिम जनजाति जो ग्रुप है पीटीजी, इसका आप लोग क्वेश्चन आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। नाहर एक उप जनजाति है, किसकी है, बैगा की एक उप जनजाति है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि बैगा का एक उप जनजाति कौन सा है, तो आप बताएंगे नाहर, ठीक है। धनका मतलब उराव जनजाति, इसका पेय पदार्थ कौन सा है, कोसमा। सभी क्लास आपको मैं कंप्लीट कराऊंगा, कहाँ से कैसे कैसे प्रश्न पूछा जाएगा। अबुझमाड़िया गुड़ की उपजाति है। गुरावट, गुरावट विवाह को विनिमय विवाह भी कहा जाता है, तो विवाह से भी क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं, नृत्य से संबंधित बताएंगे, है ना। बस वीडियो में अंतिम तक बने रहेगा, ये आपका पार्ट वन वीडियो, इसका पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ये पार्ट टू वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट खत्म हो जाएगा, पार्ट वन से पार्ट टू 1 घंटे का महामाराथन क्लास है। गुरावट विवाह को विनिमय विवाह कहा जाता है। घोटुल किस जनजाति से संबंधित है, मुरिया। सेवा विवाह को लमसेना विवाह भी कहा जाता है, ये गोंड जनजाति में प्रचलित है। सल्फी नामक पेय पदार्थ किससे प्रसिद्ध है, तो ये आपका माड़िया, जो सल्फी है ना आपका माड़िया। और देखिए छत्तीसगढ़ में पुनर्विवाह को पाटो विवाह के नाम से भी जाना जाता है, चूरी पहनाई के नाम से भी जाना जाता है, दूध लौटावा के नाम से भी जाना जाता है, और पुनर्विवाह को अद्रुतो विवाह भी कहा जाता है, और इसको हट विवाह भी कहा जाता है। यहां से इतना सारा क्वेश्चन बनते हैं। गोदना, गोदवाने वाली, गोदना को क्या करना है, गोदवाने वाली ओझा जनजाति, ठीक है, गोदना गोदवाने वाली जनजाति। अभी आप गोदना गोदने वाली जनजाति क्या है आपका ओझा, और गोदवाने वाली जनजाति है आपका कमार, याद रखना मुख्यतः एग्जाम में पूछा जाता है। तो गोदना गोदवाने वाली जनजाति ओझा, ठीक है, गोदना गोदने वाली, ठीक है, और गोदवाने वाली कमार। लोहा बनाने वाली अघरिया, छिंदे पत्ती से ये लोग बनाते, शिकारी लोग। सभी के सभी प्रश्न आपके व्यापम पीएससी में विगत वर्षों से पूछे गए, ठीक है। अब लोहे की पूजा दुर्गा देवी की पूजा मानते हैं कमार लोग। सड़वा जुड़ूम का मतलब होता है, हिंदी का अर्थ है शांति की ओर लौटो, ठीक है। अमृता का स्तन की परंपरा किस जनजाति में है, डंडामी माड़िया, सीजीपीएससी 2019। छत्तीसगढ़ के जनजाति लोगों में प्रचलित जो ढुंकू विवाह है, वो छत्तीसगढ़ राज्य के लोगों में प्रचलित जून जूनी हट विवाह को एक स्वरूप माना जाता है, जिसमें लड़की भाग कर अपने प्रेमी के घर जाती है और वहां रहने लगती है, और कुछ जनजाति में उसको हट विवाह या पैठू विवाह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यह कोरकू जनजाति से संबंधित है। कोरकू, कोरकू जनजाति, इसका क्या मुख्य कार्य क्या है, भूमि खोदने का कार्य है, भूमि खोदने का, ठीक है, भूमि खोदने का कार्य है कोरकू जनजाति। उसको इसमें पाटो विवाह भी होता है, देखिए यहां पर इसको याद रखना। छत्तीसगढ़ में विशेषता 7 प्रकार के, है ना, 7 प्रकार के विशेष पिछड़ी जनजाति पाई जाती है। तो 5 केंद्र सरकार, 2 राज्य सरकार, अबुझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार और कोरवा। उसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा भुंजिया और पंडो। लेकिन लेकिन याद रखना यहाँ पर भारतीय संविधान के तहत राष्ट्रपति के, जो छत्तीसगढ़ में 5 जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल किया गया, अगर पूछा जाए भारतीय संविधान के तहत, तो राष्ट्रपति छत्तीसगढ़ के 5 जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल किया गया है, ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। आप देखेंगे ये पूरा आपका टॉपिक है 70 MCQ, 70 MCQ है, ठीक है, 70 MCQ आपको कराएंगे। लेकिन पहले थ्योरी करेंगे। छत्तीसगढ़ के किस जिले में उराव जनजाति निवास नहीं करती, तो आपका आएगा कबीरधाम, ठीक है, जो है कबीरधाम, कबीरधाम,
ठीक है, यानी कि कवर्धा जिला। ठीक है इसका आंसर। लेकिन 70 MCQ आपको मैं कराने वाला हूं, लेकिन इससे पहले हम थ्योरी कर लेते हैं ताकि आपको आंसर पूरा मिल जाएगा। ठीक है तो चलिए फिर यहां पर देखते हैं पहले छत्तीसगढ़ से, है ना। तो देखिए छत्तीसगढ़ के जनजाति के टोटल देखेंगे यहाँ पर जितने भी प्रश्न बनेंगे, अभी आपको मैं करा रहा हूँ तो परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है ना। तो चलिए MCQ करेंगे। टोटल 30 MCQ आपको मैंने कराया अभी, है ना, वन लाइनर में, वन लाइनर। ठीक है वन लाइनर आपको मैं करा दिया। ठीक है तो चलिए देखते हैं फिर, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, प्रयोगशाला परिचालक, हॉस्टल वार्डन, एडीओ, CGPSC, अगर व्यापम PSC की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करोगे, पहले तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, और दूसरी बात है वीडियो को लाइक तो करना ही है ना, लाइक करना ही है, और तीसरी बात आपका है कि वीडियो को शेयर करोगे, है ना, ताकि अपने दोस्तों को यह वीडियो मिल सके, या अपने जो तैयारी कर रहे हैं व्यापम PSC का उसको यह वीडियो मिल सके। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ के देवी देवता, जिसको मालूम है, जिसको मालूम है आप लोग कमेंट करना स्टार्ट कर दीजिएगा, यहां से क्वेश्चन बनेंगे, है ना। तो चलिए छत्तीसगढ़ के देवी देवताओं से क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो उराव, सरना देवी, धर्मेश। ठीक है उराव का क्या आएगा, सरना देवी और धर्मेश। उसी प्रकार कोरवा का आ जाएगा, कोरवा का फुड़िया रानी। क्या है फुड़िया रानी, PDF आपको मिलेगा जी, PDF आपको मिलेगा जी, बिल्कुल निःशुल्क है, निःशुल्क क्लास है। तो जितना हो सके वीडियो को देखो और अध्ययन कर। ठीक है कम से कम इस वीडियो को 2 से 3 बार अगर आप लोग तैयारी कर लेते हैं, देख लेते हैं ना, तो यहां से क्लियर होगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कवर का है सगराखंड, बैगा का है बूढ़ा देव, हथरा का है शिकार देवी, बिंझवार का है विंध्यवासिनी देवी, कमार का छोटे माई बड़ा माई, मुड़िया का अंगा देवी, गोण का दुल्हा देव। और यहां से देखेंगे इतना सारा क्वेश्चन आपका बनता है ना। तो सबसे पहले मैं क्या कहूंगा, चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो। ठीक है चाहे तो इस नंबर पर निशुल्क व्हाट्सएप कर सकते हो, यहाँ पर दिया भी गया है 93, 99, 27, 87 और 82। ठीक है चलिए देखते हैं, आप देवी देवता की नित्य से संबंधित, कर्म नित्य, कर्म सेनी, ककसार, लिंगा या लिंगोपेन या लिंगा देवी, घोटूल के लिंगोपेन, माओ पाटा को सिरहा देव कहा जाता है, खम्भ स्वांग यानी कि खंडरा देव, शैला नित्य को आदि देव, शैला नित्य को एक और नित्य के नाम से जाना जाता है, आपका 2021 में पूछा गया था, शैला नित्य को आपका दंड, शैला नित्य या डंडा नित्य भी कहा जाता है, डंडा नित्य। ठीक है डंडा नित्य भी कहा जाता है, या शैला रीना नित्य भी कहा जाता है, शैला रीना नित्य। ठीक है यहां तक आपका कवर हो गया होगा। मड़ई पर्व अंगा देव, मातर त्योहार खोंडर देव। ठीक है छत्तीसगढ़ के युवा गृह देखेंगे, तो जो युवा गृह है आपको घोटुल, मुड़िया जनजाति, धूमकुड़िया उराव जनजाति, गितियोना बिरहोर जनजाति, हसरवासा भुंजिया जनजाति, रंगभंग बारिया जनजाति, और धांगर बक्सा यानी कि परजा जनजाति, इसको धुरवा जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। धुरवा का पर्व ऐसे आता है, धांगड़ घर यानी कि कोंध जनजाति, कोंध जनजाति को क्या कहा जाता है, कोंध जनजाति को क्या कहा जाता है, कुई, कुई के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है कहीं इतना में कहीं आपको डाउट है तो एक बार कमेंट करके बताइएगा। पुस्तक से देखेंगे, एग्जाम में पूछता है ना। यहां से आपके एग्जाम में पूरा एवेरियन एल्विन का आएगा, द मुड़िया एंड देयर घोटुल, द गौ, द अगरिया, द
का, फिर से मेरे साथ दोहराइएगा, द बुढ़िया एंड देयर घोटू, द गौ द अगरिया द बैगा, याद हो गया, द गौ द अगरिया द बैगा, मारिया एंड सुसाइड, एसी राय द बिरहोर, श्यामा चरण दुबे द कमार, जॉर्ज क्रिएशन द मारिया, गोंडा बस्तर, टीवी नायक द व्हील, एक अध्ययन दाबूज मारिया, बारह भाई बिजवार यानी कि बैठकर, दया शंकर नाग, ट्राइबल इकोनॉमी बैगाओं पर, ये आपका 2 से 3 बार पूछा गया है, ठीक है। ये भी आपके एग्जाम में 3 से 4 बार पूछा गया है। श्याम राव प्रधान, डब्ल्यू एच ग्रिथिथ, द कोल ऑफ सेंट्रल इंडिया, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ी जनजाति के वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक ही ट्रिक में आपको याद कराएंगे, जनजाति के प्रमुख टॉपिक है, तो यहाँ से क्वेश्चन भी बनेंगे, तो आपको मैं कराऊंगा कल के वीडियो में एक ट्रिक के माध्यम से, है ना। तो चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ से, चलिए आप सभी के लिए अब टेस्ट है, आंसर देना स्टार्ट करिएगा, पीडीएफ आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, छत्तीसगढ़ी जनजाति के सबसे पहले हम थ्योरी किए, ऑब्जेक्टिव किए, अब टेस्ट है, ठीक है। टेस्ट सीरीज करेंगे अभी, इस पर आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगा, इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, पीडीएफ बिल्कुल फ्री है, सभी परीक्षाओं के लिए उपयुक्त है। महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जनजाति के नित्य से, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यहां से आपका 2 से 3 नंबर बन सकता है, कितने नंबर, 2 से 3 नंबर बन सकता है, तो आप कवर करिएगा। कर्म नित्य जो है, चलिए थोड़ा सा वेट कीजिएगा, चलिए जो कर्म नित्य है, आप एक मिनट ना, कर्म नित्य जो है आपका बैगा उराव और कमार जनजाति, क्या क्या आएगा कर्म नित्य का, बैगा उराव कमार जनजाति, बैगा का आएगा बैगा उराव और कमार जनजाति, उसी प्रकार बिल्मा का आएगा, बिल्मा नित्य के कौन सा है, तो बिल्मा मतलब बैगा नित्य, बिल्मा बैगा नित्य, शैला नित्य, डंडा नित्य, इसको रीना नित्य भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रीना नित्य भी कहा जाता है, ठीक है। शैला नित्य, डंडा नित्य, रैना नित्य, बैगा जनजाति, बैगा बैगा गोंड ये जनजाति में पाया जाता है, ठीक है। देखिए जो कर्म नित्य है आपका बैगा उरा और कमार, बिल्मा बैगा में आएगा, शैला नित्य, डंडा नित्य, रीना नित्य, बैगा और गोड़ जनजाति, डंडारी नित्य किस में आएगा, जो डंडारी नित्य है, ठीक है, भथरा, जो डंडारी नित्य है आपका भथरा में आएगा, सरहुल का आपका सभी जानते हैं उराव है, उराव, इसका पेय पदार्थ है आपका कोसमा, क्या है कोसमा, ठीक है। दमनच नित्य किस में किया जाता है, चलिए बताइए दमनच नित्य किस में किया जाता है, दमनच नित्य कोरवा है ना, कोरवा जनजाति, थापड़ी और डांडल नित्य किस में किया जाता है, थापड़ी और डांडल नित्य, थापड़ी कोरकू जनजाति, कोरकू, ठीक है, किसमें किया जाता है, कोरकू जनजाति किसमें किया जाता है, एक मिनट बताइए जल्दी से, थापी नित्य किसमें किया जाता है, जल्दी जल्दी बताइएगा, थापी नित्य किसमें किया जाता है, थापी नित्य कोरकू जनजाति किसमें किया जाता है, कोरकू जनजाति किसमें किया जाता है, कोरकू, सेम,
ठीक है। परब नित्य परब का ध्रुवा, परब नित्य क्या आएगा, एक मिनट ना, ये ध्रुवा आएगा, ये ध्रुवा है ठीक है, एक मिनट इसको चलो कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, परब का ध्रुवा क्या कहा जाएगा, सैन्य नित्य, इसको सैन्य नित्य। ठीक है, मांदरी नित्य को क्या कहा जाता है, मांदरी नित्य, मुड़िया और घोटुल, मुड़िया यहाँ पर कमेंट ना करें ना, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, वरना ब्लॉक कर दूंगा। ठीक है, व्हाट्सअप ना करें अभी, मुड़िया और घोटुल, अभी पढ़ाई चल रही है तो बीच में डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ है। छत्तीसगढ़ के जनजाति से यहाँ कवर करेंगे, आप लोग बने रहिएगा। देखिए तो मैंने आपको पूरा थ्योरी कराया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं थ्योरी में, एक मिनट ना, थ्योरी में आपको कराया था, यहाँ से देखिएगा। यहाँ पर देखिएगा, ये आपको मैंने थ्योरी क्लास कराया था, ठीक है, ये थ्योरी आपको मैंने अभी कराया था, और यहां से आपको क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एक मिनट, यहां से तो देखिए, यहां पर छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजाति पाई जाती है, 161 उपसमूह, कितना है, 161 उपसमूह है, जो 42 प्रकार की जनजातियां हैं, जिनमें गौड़ जनजाति की उप जनजातियां हैं। ठीक है, गौड़ जनजाति की उप जनजातियां, इसके बहुत सारे हैं, जिसमें आपका आएगा अबुझ माड़िया, ठीक है, भारतीय संविधान 342 में, यानी कि आर्टिकल नंबर 342 में लिया गया है, अधिकांश जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रकार की है, कौन से जनजाति, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, और सबसे बड़ी जनजाति कौन सी, गौड़ जनजाति, 50% आपका तो पूरा छत्तीसगढ़ में ही पाया जाएगा, प्रमुख जनजाति गौड़ है। ठीक है, विशेष पिछड़ी जनजाति आपका 5 प्रकार का होता है, और 2 राज्य सरकार द्वारा, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा संविधान का, संविधान में राष्ट्रपति द्वारा 5 जो है विशेष पिछड़ी जनजातियां माना गया है। ठीक है, ट्रीक है आपका अबुझ माड़िया, बैगा, बिरहोट, कमार और कोरवा, है ना, यहाँ पर देखिएगा, एक मिनट, यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, थोड़ा वेट करें। यहाँ पर देखिए, जो आपको मैंने अभी क्लास कराई है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसका पीडीएफ आपको मिलेगा, क्वेश्चन करेंगे, इसका पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा, क्वेश्चन आप लोग करते रहिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ट्रिक आपको बताया, संविधान में राष्ट्रपति के द्वारा 5 विशेष पिछड़ी जनजाति को शामिल किया गया है, कितने जनजाति, संविधान, ठीक है, संविधान में आपका 5 विशेष पिछड़ी जनजाति, ठीक है। गोदना से संबंधित प्रश्न देखेंगे, गोदना से संबंधित प्रश्न है, यहां पर देखिएगा, गोदना से संबंधित प्रश्न, गोदना गोदवाने वाली, गोदना गोदवाने वाली, गोदवाने वाली, ठीक है, तो गोदना गोदवाने वाली जनजाति कौन सा है आपका, आ जाएगा कमार जनजाति।
ठीक है। गोदना गोदने का कार्य। कार्य कौन करते हैं? ओझा। कौन करते हैं? ओझा। कौन कौन करते हैं बताइएगा? ओझा। ठीक है। गौड़ जनजाति। ठीक। इसके बाद है आपका प्रिय जनजाति गोदना। प्रिय जनजाति गोदना। प्रिय जनजाति कौन सा है आपका? बैगा। बस इतना सारा कवर कर लो। गोदना गोदवाने वाली जनजाति कौन सी है आपका? कमार जनजाति। कौन सा है? कमार जनजाति। और गोदना कार्य आपका ओझा गोंड जनजाति। गोदना प्रिय जनजाति आपका बैगा। ठीक है। बस्तर अंचल की बोली। तो बस्तर अंचल की बोली देखेंगे, कुराव का क्या जाएगा आपका? कुड़ुक। कुराव का कुड़ुक। कोंध का कुई। ठीक है। और बस्तर अंचल की सर्व संपर्क बोली। बस्तर अंचल की जो संपर्क बोली है ना, हल्बी। ठीक है। और यहां आप लोग नोट करिएगा, हल्बी सर्वाधिक साक्षर जनजाति। सर्वाधिक सर्वाधिक साक्षर जनजाति है पूरा। ठीक। अगर प्रतिशत में पूछा जाए तो आप बताएंगे हलवा। प्रतिशत में पूछा जाएगा तो आप बताएंगे हलवा। बस्तर अंचल की अन्य बोली कौन सा है? तो बस्तर अंचल की अन्य बोली गोंडी। दोरली। हथरी। पारजा। उसको जनजाति शिल्पकला। ठीक है। अगर ये क्या है, लौह शिल्प क्या करते हैं? क्या करते हैं? टोकरी बन। ठीक बांस का कार्य। ठीक है। ये भी आपका सेम है। बिरहोर। बिरहोर क्या काम करते हैं? चलिए बताइएगा। बिरहोर सेम हनुमान। सेम हलवा। हलवा क्या करते हैं? कृषि कार्य। ध्रुवा क्या काम करते हैं? हलवा। ध्रुवा क्या काम? ठीक भाई, क्या कर रहे हो यहाँ पर? सेम है। हाथी। काले रंग के पक्षी। पारधी लोग क्या करते हैं? शिकार करते हैं।
उसको क्या कहा जाता है? शिकारी। खैर चलिए बताइए, तो खेल ये है ना कत्था, कत्था बनाने का, ठीक है। कंवर क्या करते हैं? कंवर लोग क्या करते हैं? सैन्य कार्य। भद्रा लोग क्या करते हैं? सेवा करते हैं। अबुझमारिया लोग क्या करते हैं? अबुझमारिया कास्ट शिल्प कला। ठीक है, प्रजा क्या करते हैं? प्रजा पशुपालन। ठीक है, बैगा क्या करते हैं? झाड़ फूक वाला। यहां तक क्लियर? अगरिया शिल्प कला, घड़ी वाला, कटरा बांस, बांस, ठीक है। हलवा कृषि, इसका पीडीएफ आपको मिलेगा, है ना। एक बार फिर से कहता हूं, यहां पर ओझा, ओझा का भूल गए थे क्या? गोदना वाला। ठीक है, पुस्तक से देखेंगे वेरियल एडमिन का। आप लोग बताओ कमेंट करके। ठीक है, दया शंकरनाथ द ट्राइबल। ठीक है, ये सभी आपको मैंने करा दिया। इसी राय द विरहोर, जार्ज ग्रेसन, ये सभी आपको करा दिया। पेय पदार्थ, सल्फी का पेय पदार्थ क्या है? पेय पदार्थ में मुड़िया और माड़िया, मुड़िया और माड़िया। ठीक है, ताड़ी कौन हिंद से किससे प्राप्त होता है? ताड़ी बैगा। ठीक है, बैगा लो। हांडिया, हांडिया चावल से, चावल से निर्मित एक पदार्थ। ठीक है, हिंद्रस पत्ते, चटाई। ठीक है, क्या आएगा? माड़िया। और क्या आएगा? ठीक है, क्लियर है ना? पेज से बनता है ओस्मा का उराव। ठीक है, तो यहां पर आप लोग बताइएगा सभी, बस्तर में चावल से निर्मित पेय पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो बस्तर में चावल से निर्मित पेय पदार्थ को लांदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लांदा,
लांदा कहा जाता है, आपके एग्जाम में पूछा गया। जनजाति संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग बताइएगा। पारस से आता क्या है, पारस से आता क्या है? हाँ, पारस से आता क्या है? सिक्का। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक, ताकि आपको पूरा समझ में आएगा। जनजाति से समान है आपका, पारस से ऐसा है शिकार। बस्तर की जनजाति को भूमि कहा जाता है, क्या कहा जाता है? भूमि। बस्तर की जनजाति को भूमि कहा जाता है। समाज कैसा है? कृतिसत्तात्मक। कृतिसत्तात्मक ठीक है। अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? रायपुर। ठीक है, तो बस इतना ही, ये आपका पार्ट वन वीडियो था। पार्ट वन वीडियो है, पार्ट टू वीडियो कल आएगा। पार्ट टू वीडियो आपका कल मिलेगा। ठीक है, पार्ट वन वीडियो है, इसका पीडीएफ निशुल्क क्लास, ठीक है, आपको मिल जाएगा। सभी लोग पूछ रहे कि सर नेक्स्ट टाइम आपका सामान्य विज्ञान से, तो सामान्य विज्ञान की जो क्लास है वो आपको 2 से 3 दिनों के बाद मिलेगा। ठीक है, इससे पहले तो मुझे मेहनत करना पड़ेगा भाई आप लोग को पढ़ाने के लिए, है? ठीक है, फिर इतना ही आज के लिए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।